यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपके सामने लेके आपका फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। और मैं हूं आपका चहेता सदा से आपकी मदद करने वाला डॉक्टर अमन सहगल। तो जी हां, जैसा कि आपने देख लिया है कि ये वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं या मैंने बनाया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे ऑलरेडी चल रहे बहुत ही प्यारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स, उसका ये कंटिन्यूड वीडियो लेक्चर है। यानी अगर देखा जाए कायदे से इस वीडियो लेक्चर का अगर मैं सीरियल नंबर बताऊं तो ये पांचवा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप में से गलती से कोई क्लास 10th का बच्चा पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है तो यही पे लगा दो पूर्ण विराम, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अभी नहीं बना है। हाँ, अगर आपको पॉलीनोमियल चैप्टर आता है और आप पॉलीनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाए। और ये वीडियो लेक्चर बनाए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th के जिन्होंने पॉलीनोमियल चैप्टर को अब तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो लेक्चर्स के जरिए खत्म कर लिया है। तो बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली डूइंग द प्रैक्टिस टुडे, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं जिनका जिक्र का ज और जिनकी शुरुआत का श और जिनके बारे में कोई भी नामो निशान का न एनसीईआरटी में नहीं है। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको आने चाहिए, आपके स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की उनकी पूरी पूरी संभावना है। एंड दीज क्वेश्चंस आर नन अदर देन बेस्ड ऑन योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो एक क्लास 10th के बच्चे को क्या पता होना चाहिए, एक क्लास 10th के बच्चे को इस वीडियो लेक्चर को करने से पहले जो बेसिक ज्ञान होना चाहिए मैं उसका जिक्र करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कोई भी एक ऐसा पॉलीनोमियल है जिसकी शक्ल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। और हमने इस चैप्टर में सीख लिया है कि ऐसी शक्ल के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को पहले हम फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद हम निकालते हैं दो फैक्टर्स जिनको हम 9th क्लास में ब्रैकेट में एनक्लोज किया करते थे। और वो दो फैक्टर्स निकल जाने के बाद एक से निकलता है हमारा प्यारा अल्फा और दूसरे से निकलता है हमारा प्यारा बीटा। अल्फा को ऐसे कभी नहीं लिखते, बीटा को कभी नहीं लिखते ऐसे, अल्फा को लिखते हैं अल्फा और बीटा को लिखते हैं बीटा। और अल्फा एंड बीटा को कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अल्फा एंड बीटा को कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अल्फा एंड बीटा को कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अल्फा एंड बीटा को कहा जाता है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, क्योंकि अल्फा क्योंकि बीटा को कहा जाता है क्या जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। इसलिए हम इनके दो चीजें निकालते हैं, एक हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सर अभी तो आप कह रहे थे कि इनको जीरोस कहा जाता है, जीरोस के अलावा इन्हें एक और नाम से पुकारा जाता है, इन्हें कहा जाता है रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। तो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं या जिन चीजों को आज हम प्रैक्टिस करेंगे, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड जस्ट नाउ। मैंने आपको जो बताया है इसी पे बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीनोमियल की शक्ल जब ऐसी होती है तो ऐसी शक्ल के पॉलीनोमियल का अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज found by a formula minus b by a and alpha into beta is always equal to c by a। ये पता होना चाहिए, पता है? अगर ये पता है तो आप आज की प्रैक्टिस के इस सेशन का भरपूर फायदा उठा सकते हैं।
कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन निकाल के बैठो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, फिर मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस बोर्ड पे मैं आंसर सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, आप उन्हें रेफर करो। अगर आपके द्वारा की गई बातें या आपके द्वारा किए गए क्वेश्चन मेरे द्वारा बताई हुई तकनीक को मैच करते हैं तो समझो ये टॉपिक आपको आ गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो सॉल्व किया गया है वो एप्रोप्रिएटली करेक्ट नहीं है, तो आप मेरे द्वारा समझाए गए आंसर की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल के बैठो अपने साथ, और बोर्ड पे जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो। मैं बोर्ड पे हर क्वेश्चन के कम से कम भी तो 3 से 4 पार्ट लिखूंगा, लेकिन सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगा तो बाकी के पार्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए होमवर्क बनते चले जाएंगे, बाकी के पार्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वेश्चन बनते जाएंगे। मेरे सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेके बैठा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि बहुत प्यारा क्वेश्चन जो मैं अपने सामने आज आपको प्रैक्टिस कराने आ रहा हूं, जिसका जिक्र करता एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 3x² + 2x - 6, देन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट क्वेश्चन ने कहा है अल्फा माइनस बीटा निकाले, दूसरा पार्ट क्वेश्चन ने कहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले, तीसरा पार्ट क्वेश्चन ने कहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाले, चौथा पार्ट क्वेश्चन ने कहा है कि 1/α + 1/β निकाले। ये पांच पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, ये पांच पार्ट आपको आने चाहिए जो मैंने कराया है। देखिए आई होप आपने ये क्वेश्चन अपने सामने देख लिया है, अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट पार्ट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेकंड पार्ट है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब थर्ड पार्ट है, एंड 1/α + 1/β चौथा पार्ट, और क्वेश्चन है 3x² + 2x - 6। मेरे दिमाग में और चीज आ रही है, मैं सोच रहा हूं वो भी लिख दूं। आप पता लगाओ α/β + β/α, आप पता लगाओ α(β)³ + β(α³, और आप पता लगाओ सातवां पार्ट α(³β²+α²β³। मैं देख लेता हूं कि क्या कुछ और भी मैं आपको दे सकता हूं, हाँ दे सकता हूं। आप पता लगाओ 1/α + 1/β - α β, आप पता लगाओ 1/α - 1/β, और दसवां पार्ट आप पता लगा दो, आप पता लगा दो 2α। देख रहा हूं कि और क्या है यहाँ पे, ये चीज इसने पूछ ली है और कुछ तो नहीं कुछ, हाँ एक और चीज, α² - β² + α² - β² ये पहले आप नोट डाउन कर लो, क्लास 10th के बच्चों ये नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, आपको समझ आना चाहिए कि यहां पे करना क्या है। पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने नोट डाउन किया जाना बहुत जरूरी है। एक सिंगल क्वेश्चन है, इस सिंगल क्वेश्चन के 10 पार्ट, सिंगल क्वेश्चन के 10 पार्ट, और ये 10 के 10 पार्ट का जवाब आपको आना चाहिए, ये 10 के 10 पार्ट का जवाब आपको आना चाहिए, सिंगल क्वेश्चन के 10 पार्ट। शुरू हो जाओ, पहले अपना ट्राई कर लो, नहीं होता है तो मेरी तरफ से सुनो कि करना कैसे। ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन या 10 पार्ट की प्रैक्टिस आपको बहुत ताकतवर और मजबूत बना सकती है इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं सिलसिला, पहले आप खुद से करना, जब आपसे बात नहीं बने तब आप वीडियो को वापस से प्ले करना और मेरे द्वारा बताई हुई तकनीकों का इस्तेमाल करना। लेकिन मेरी सजेशन है कि अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप करो, फिर चेक करो कि जो आपने किया है और जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, अगर आपकी और मेरी बातें मेल खाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर ली, तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं ये वाली जगह इस्तेमाल करूंगा, ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करूंगा सॉल्यूशन के लिए, और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊंगा। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा,
क्या मतलब है अल्फा माइनस बीटा का? अल्फा माइनस बीटा का मतलब है रूट्स का प्रोडक्ट भाई, रूट्स का प्रोडक्ट। हमने अल्फा प्लस बीटा सीखा है। एक बच्चा कहता है सर बहुत आसान है ना, मतलब क्या आसान है, कहता मैं इसका अल्फा निकालूंगा, इसका बीटा निकालूंगा, अल्फा निकाल के यहां पुट कर दूंगा, बीटा निकाल के यहां पुट कर दूंगा। अच्छा जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, क्या आप इसकी मिडिल टर्म फिटिंग कर सकते हैं? जरा बच्चों पहले मिडिल टर्म फिटिंग करके देखो, एक बार करके देखो, मन की तसल्ली के लिए इसकी मिडिल टर्म फिटिंग करके देखो और इसके अल्फा और बीटा निकाल के देखो। आप चाहकर भी इसके अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी मिडिल टर्म फिटिंग हो ही नहीं। देख लो, आप कोशिश करके देख लो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -18x² आता है। क्या ऐसे दो नंबर है आपके पास जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आ जाए और प्लस माइनस करके 2 आ जाए? भैया मेरे पास तो नहीं है। तो इंडिविजुअली इस क्वेश्चन का अल्फा नहीं निकल सकता, इंडिविजुअली इस क्वेश्चन का बीटा नहीं निकल सकता। यानी साफ साफ शब्दों में कहूं, फैक्टराइज करके, साफ साफ शब्दों में कहूं, फैक्टराइज करके, साफ साफ शब्दों में कहूं, फैक्टराइज करके अल्फा एंड बीटा को फाइंड नहीं किया जा सकता, फाइंड नहीं किया जा सकता, फाइंड नहीं किया जा सकता, फाइंड नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअली 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 फाइंड नहीं कर सकते, अल्फा एंड बीटा को इंडिविजुअली फाइंड नहीं किया जा सकता। साफ साफ शब्दों में कहूं, इंडिविजुअली अल्फा और बीटा फाइंड नहीं हो सकता, इंडिविजुअली अल्फा और बीटा फाइंड नहीं हो सकता। फिर क्या करना भाई? अब सुनो, हमने अल्फा प्लस बीटा सीखा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स। हमने अल्फा इंटू बीटा सीखा है। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। क्या अल्फा माइनस बीटा सीखा है? नहीं सीखा, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये देखो, ये वाला हिस्सा भी इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां लिख रहा हूं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखो तो मैं यहां लिख रहा हूं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, मेरे पास आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इस पूरे आइडेंटिटी में एक तो मुझे ये नहीं पता, एक तो मुझे ये नहीं पता, ऊपर से यहां हमें साफ पता चल रहा है, ऊपर से हमें यहां साफ पता चल रहा है कि हमें ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो ये पता है, ये नहीं पता। आओ पहले एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल के बैठते हैं यहां पे। ये देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस टू बाय थ्री। लो गए सम ऑफ द रूट तो आ गया, ये हमारे जहां जहां काम आएगा वहां हम इसे पुट करेंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा में सी क्या है हमारे पास माइनस सिक्स और ए क्या है हमारे पास थ्री, तो अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास माइनस टू। लो भाई ये भी जहां जहां हमारे काम आएगा वहां भी इसे पुट करेंगे। एक बच्चा कहता है काम क्या आएगा, आ तो रहा है सामने, आओ ये देखो, ये देखो जरा गौर से सुन लो भाई, क्लास टेंथ के बच्चों जो मैं समझा रहा हूं उसे बहुत ध्यान सुनना। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस टू, तो माइनस टू। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर। अब मेरे पास ये भी नहीं है, मैंने फिर से लिखा वी नो दैट, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू सी बाय ए। C by A क्या था? C minus 6 था, 3 था, minus 2 आ गया, तो यहां minus 2 put कर दिया। Alpha plus beta क्या है? Alpha plus beta क्या है? Minus 2 by 3. Minus 2 by 3 का square is equal to alpha square plus beta square 2 into 2 minus 4. Square किया 4 बटा 9 plus 4 is equal to alpha square plus beta square. तो 4 plus 9 4 जा 36 बटा 9 is equal to alpha square plus beta square. 40 बटा 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देख लो 40 बटा 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस वैल्यू को उठाकर, इस वैल्यू को उठाकर क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं? जैसे ही इस वैल्यू को उठाकर यहां पुट करूंगा, यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 बटा 9 प्लस 4, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इस 40 बटा 9 फोर जा 36 बटा 9 इज इक्वल टू 76 बटा 9, तो अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट 76 बटा 9, आंसर कम्स आउट टू बी अंडर रूट 76 बटा 3। एक बार देख लो, दो बार घूर लो, मन में कोई ऐसा सवाल मचा दो पूरा बवाल। पहले मैं किताब में देख लूं कि सही आंसर आया या गलत आंसर आया, मैं पहले किताब में देख लूं कि सही आंसर आया या गलत आंसर आया, मैं पहले किताब में देख लूं कि सही आंसर आया या गलत आंसर आया। किताब में बिल्कुल यही आंसर है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 76 बटा अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट 76 बटा 3। आप 76 को और सॉल्व करना चाहो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। मेरी आपको सजेशन है कि पहले बोर्ड पे दिए गए इस पूरे क्वेश्चन को घूर लो। डियर क्लास 10th के बच्चों, मैंने जो बोर्ड पे किया है आपको ये भली भांति समझ आना चाहिए, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद देखो कि इस आदमी ने किया क्या है। मैंने पूरे क्वेश्चन में बच्चों एक ही चीज इस्तेमाल करी है, एक फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स वाला, एक फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। देख लो, घूर लो, आपको दे रहा हूं मैं टाइम क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने का। वीडियो पॉज कर लीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि यहां पर क्या किया गया है, और अगर आपको यह समझ आ गया तो भैया अब आप दूसरा पार्ट आराम से कर सकते हो। एक बच्चा कहता है, हाँ सर दूसरा पार्ट तो हो ही गया, कैसे हो गया, यही सोच रहे हो कैसे हो गया। अरे मत भूलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो निकाला ना, 40 बटा 9, 40 बटा 9, देखो निकाला ना, 40 बटा 9, देखो निकाला ना, 40 बटा 9, देखो निकाला ना, 40 बटा 9। समझ आया बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। मैं आपको 10 के 10 पार्ट इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन वो पार्ट स्किप कर दूंगा जिसको आपके लिए कर पाना आसान है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, सेकंड पार्ट आप कर सकते हो, क्योंकि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को करने के दौरान आपको नजर आया। तो एक बच्चा पूछा है, क्या ये दोबारा करके दिखाना है मास्टर? हाँ, दोबारा भी करके दिखा सकते हो, और मेंशन डन इन फर्स्ट पार्ट। मेरी एडवाइस में दोबारा कर दो, मेरी एडवाइस में दोबारा कर दो। क्यों टीचर के द्वारा मार्क्स काटे जाने का रिस्क उठा रहे हो? चलिए अपनी जगह बनाते हैं और अपनी जगह बना के अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट तो मैंने आपको करके बताया नहीं है, लेकिन खुद से आपको करने के लिए कहा है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके बताया है और सेकंड पार्ट खुद से करने के लिए कहा है। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करने जा रहे हैं, विदाउट एनी डिले हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। साफ दिख रहा है आइडेंटिटी, एलजेब्रिक आइडेंटिटी है, साफ दिख रहा है। मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो ये हमारे पास जगह है, ये जगह है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं और यहां से शुरू होगा। ये देखो, यूजिंग आइडेंटिटी, क्लास 10th के बच्चों सुनो ध्यान से, यूजिंग आइडेंटिटी। ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां पे एक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू वाली होती है, एक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब वाली होती है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आने लगाता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आओ, तो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखो, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, यानी सी बाय ए ब्रैकेट में। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स मतलब हुआ आपका माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा यहां पर क्या है? आओ वैल्यू पुट करें, माइनस 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी माइनस 2 ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी बाय ए की वैल्यू हमारे पास है यहां पे माइनस 2/3। यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, माइनस 2/3 का क्यूब करूं तो माइनस 8/27 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बच्चों देख रहे हो ना, समझ आना चाहिए। कोई चीज नहीं समझ आए आप वीडियो पॉज कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां प्लस आ गया, ये 3 से ये 3 कैंसल हो गया और हमारे पास 2 × 2 = 4 हो गया, तो यहां पर 4 आ गया। देन कम्स माइनस 8/27 माइनस 4 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब, तो हमारे पास आ गया माइनस एट माइनस चार इंटू सत्ताईस डिवाइड बाय सत्ताईस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मुझे तो नहीं पता भाई सत्ताईस इंटू चार क्या होता है, करके देख लेते हैं। फोर सेवन ट्वेंटी एट, फोर टू एट नाइन टेन, एक सौ आठ। तो माइनस आठ माइनस एक सौ आठ बटा सत्ताईस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो टीचर 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 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक सौ सोलह बटा सत्ताईस। एक बार घूर लो, दो बार देख लो, मैं किताब में चेक कर लेता हूं कि सही है गलत है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है माइनस एक सौ सोलह बट्टा सत्ताईस। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट, देख लो बच्चों, घूर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके समझ लो क्या किया गया है इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या किया गया है ये आपको भली भांति समझ आना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो कि क्या किया है। नहीं समझ आए एक बार खुद से ट्राई करो यार, सारा खेल आइडेंटिटी का है बच्चों, सारा खेल आइडेंटिटी का है, सारा खेल आइडेंटिटी का है। ये था इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स में से एक क्वेश्चन जिसका थर्ड पार्ट हमने किया है। आओ विदाउट एनी डिले अब करते हैं चौथा पार्ट। क्या कह रहे हो, खुद से कर सकते हो, कर पाओगे मुझे यकीन है। मैं तो देखो सबकी मदद कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो तो बखूबी करना। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे, आप इन्हें जरूर कर पाओगे। ये है मेरा आपको पक्का वादा, टूटेगा नहीं आपका अपने आप से किया ये इरादा। इसलिए आप इन क्वेश्चन को करना पूरा मत छोड़ना, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी आधा। आओ थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट कहता है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दूं, अगर एलसीएम लेता हूं तो नीचे आ गया अल्फा बीटा, बीटा यहां चला गया और अल्फा यहां चला गया। बोलो बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा खुद कर लोगे। आओ पांचवा पार्ट समझाता हूं। पांचवा पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। वापिस एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर यहां हो गया, बीटा स्क्वायर यहां हो गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बखूबी 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 आराम से कर सकते हो, बखूबी आराम से कर सकते हो। पांचवा कर लोगे, छठे पे आओ। छठा को बहुत ही सिंपल है, देखो अल्फा इंटू बीटा का क्यूब प्लस बीटा इंटू अल्फा का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब। सुनना सुनना सुनना, अल्फा इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब में पहली बात यहां पे अल्फा बीटा है तो एक अल्फा बाहर निकाला और एक बीटा बाहर निकाला। जैसे अल्फा और बीटा बाहर निकाला यहां पे कौन बचा, यहां बचा बीटा का स्क्वायर, यहां पे बचा अल्फा का स्क्वायर। बताओ अब हो सकता है नहीं हो सकता। छठा पार्ट ये था आपका, चौथा पार्ट समझाया, पांचवा पार्ट समझा के छठा भी बताया सातवां भी बताऊंगा, सातवां जो बताऊंगा आगे भी बताऊंगा। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट में बच गया अल्फा, ब्रैकेट में बच गया बीटा। बोलो नहीं हो सकता, हो सकता है, हंसी तो आ रही होगी चेहरे पे, खुशी भी हो रही होगी कि हाँ यार क्वेश्चन तो बड़े आसान है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आओ आठवें क्वेश्चन की बात करता हूं। आठवां क्वेश्चन है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा और माइनस अल्फा बीटा। इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो अल्फा आएगा बीटा आएगा, बीटा को यहां लेके जाऊंगा, अल्फा को यहां लेके जाऊंगा और उसके बाद इस माइनस अल्फा बीटा को एज इट इज रहने दूंगा। ये है पता, ये है पता, ये है पता। बोलो डाउट कैसा, ये है पता, ये है पता, ये है पता। बोलो डाउट कैसा, बिल्कुल सही। ये था आठवां पार्ट। आओ नाइन्थ की बात करता हूं। नाइन्थ में वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा और ये बीटा को यहां लेके चला गया और ये अल्फा को यहां लेके चला गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बोलो एलसीएम लिया है मैंने इनका, एलसीएम लिया है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा यहां गया, अल्फा यहां गया, अल्फा बीटा नीचे आ गया, ये तो निकालोगे, प्रॉब्लम आएगी इसमें। एक बच्चा बोला नहीं सर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों? फर्स्ट पार्ट में तुमने अल्फा माइनस बीटा निकाला था, जब फर्स्ट पार्ट में तुमने अल्फा माइनस बीटा निकाला था तो क्या तुम बीटा माइनस अल्फा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। कैसे है देखो, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। यस और नो?
बात वही पड़ेगी, आइडेंटिटी वही लगाएगी। तो a माइनस बी कॉल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें ये भी पता है, तुम ये निकाल सकते हो आराम से, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें टोक नहीं सकता, और तुम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। देन कम्स हमारा 10th क्वेश्चन, जिसे कहा गया है अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर और बीटा का पावर 4। कॉमन लिया दोनों में से अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट में बच गया यहां पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बच गया बीटा का स्क्वायर। देख लो भूल लो क्या नहीं कर सकते, देख लो भूल लो क्या नहीं कर सकते। चौथा बताया यहां तक पहुंचाया, पांचवा बताया यहां तक पहुंचाया, छठा बताया यहां तक पहुंचाया, सातवां बताया तुमको यहां तक पहुंचाया, आठवां बता के यहां तक पहुंचाया, नौवां बता के यहां तक पहुंचाया, दसवां बता के यहां तक पहुंचाया, इतना पहुंचा के खुद तुम्हें करना अपने आप है। देख लो एक बार, देख लो हर बच्चा मन की तसल्ली पूरी कर लो, हर बच्चा मन की तसल्ली पूरी कर लो। आपको समझ आना चाहिए कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको किस तरह के क्वेश्चन करने का टास्क दिया है, मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में किस तरह के क्वेश्चन करने का टास्क दिया है, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको किस तरह के क्वेश्चन करने का टास्क दिया है। तो आप देख लीजिए, आप क्लास 10th के स्टूडेंट है बच्चों, ये वीडियो में जो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ये आपके ही काम नहीं आएगा, ये आपके दोस्तों के भी काम आएगा, आपके साथियों के भी काम आएगा। इसलिए वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसी के जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में आपको देने जा रहा हूं, और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए पूरी तरह से अनलिमिटेड प्रैक्टिस लेक्चर बन चुका है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस लेक्चर। अनलिमिटेड प्रैक्टिस लेक्चर क्यों यार, एक सिंगल क्वेश्चन के 10 पार्ट, इसके बाद मैं आपको और देने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा इसके बाद में, जो भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो सभी क्वेश्चंस आपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो आप मुझे पूछो, मेरा नंबर आप सब जानते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे आपके डाउट्स लेने को तैयार हूं। और अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हो तो आपको बहुत फायदा है, आपको बहुत फायदा है। तो चलो, जो कॉपी पेन आप अपने साथ लेकर बैठे हो अब उसका उठाओ भरपूर फायदा। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा करा चुका हूं और अब बोर्ड पे देने जा रहा हूं आपको कुछ और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलीनोमियल, ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज बची थी उसका एक हिस्सा मैंने आज कवर करा दिया है, उसका एक हिस्सा मैंने आज कवर करा दिया। जानते हो ये पॉलीनोमियल सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है, बस एक लेक्चर और पॉलीनोमियल्स यूनिट खत्म। एक लेक्चर और दूंगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलीनोमियल व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। अभी तक मैं हाउ टू सॉल्व और हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ गिवन पॉलीनोमियल, यानी अभी तक हमने ये जाना है कि पॉलीनोमियल गिवन होगा तो उसके रूट्स फाइंड कैसे करने हैं और उसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बस एक वीडियो लेक्चर और पॉलीनोमियल सीरीज का खात्मा क्लास 10th की, फिर मैं शुरू करूंगा मैथ्स का अगला चैप्टर जिसे कहा जाएगा रियल नंबर्स। तो आपने नहीं करना है अपना टाइम वेस्ट, अगर पाना है आपने कामयाबी का टेस्ट। तो चलिए अब आपको मैं इस वीडियो लेक्चर के आखिरी पड़ाव की ओर लेके जा रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन जरूर करना और बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। पहले आपको याद होगा कि साइंस का वीडियो लेक्चर देते समय मैंने क्वेश्चंस डिक्टेट कराए थे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करा रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं। और इसके बाद आने वाला जो आखिरी वीडियो लेक्चर होगा उसे देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन कहता है If alpha and beta are the zeros, of a quadratic polynomial, x square minus 3x plus 7, then find the value of, question कह रहा है, find the value of,
पहला पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दूसरा पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन। आइए जी, क्वेश्चन नंबर वन बता देता हूं। कहता है फॉर अ पॉलिनोमियल, फॉर अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर गिवन है, तो आंसर क्या आएगा मैं वो बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 15/4, तो चेक कर लेना। इसका आंसर आएगा 15/4, इसका आंसर आएगा 15/4। आपकी मदद कर रहा हूं, आपकी मदद कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। अगला क्वेश्चन, फॉर अ पॉलिनोमियल, फॉर अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। और इसका आंसर भी मेरे पास गिवन है, तो जिसका आंसर मेरे पास गिवन है मैं बता रहा हूं, ताकि जब आप करें तो आपकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ यार जो किया है वो सही किया है भाई, जो किया है वो सही किया है भाई, जो किया है वो सही किया है, तो आपकी मदद कर रहा हूं। आइए एक और क्वेश्चन मेरे पास, फॉर अ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। इसका भी आंसर मेरे पास गिवन है, इसका आंसर आएगा 468। पहले सॉल्व करना फिर आगे बढ़ना मेरे बच्चों, पहले सॉल्व करना फिर आगे बढ़ना, पहले सॉल्व करना फिर आगे बढ़ना। आओ जी और क्वेश्चन आपको करके दिखलाता हूं, करके दिखलाता हूं, देता हूं, मुझे मिलते जा रहे हैं, मुझे मिलते जा रहे हैं क्वेश्चन मेरे सामने है, देखता हूं यहां पे और क्या क्या वैल्यू है क्वेश्चन लिखा है। हाँ बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है यहां पे, क्वेश्चन अलग है थोड़ा, ये क्वेश्चन अलग है, आप कर पाओगे। इफ 1/3 इज अ जीरो, इफ 1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इफ 1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 4x² प्लस 17x प्लस के, देन क्वेश्चन लिखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका भी जो आंसर आएगा, इसका भी जो आंसर आएगा वो भी मैं बता देता हूं। इसका आंसर में k की वैल्यू आएगी -6। देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल मचा तो आधा पूरा बवाल। देख लीजिए बच्चों, ये जो मैंने आपको टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए, मैं देख लेता हूं क्या यहाँ पे मेरे पास कोई और क्वेश्चन है जो मैं आपको दे सकता हूं और प्रैक्टिस करा सकता हूं। नहीं, काफी काफी है, और 5 क्वेश्चन बहुत है, आप ये 5 क्वेश्चन तो जरूर कर पाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब सवाल आता है सर पॉलिनोमियल्स में बचा क्या है, पॉलिनोमियल्स में दो चीजें बची है, एक बचा है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी तक अपने किसी वीडियो लेक्चर में नहीं बताया, इनफैक्ट उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों के वीडियो लेक्चर में आप तक दे चुका हूं, तो मैं जो लौट के आऊंगा ना आखिरी वीडियो लेक्चर में उसमें मैं जिक्र करूंगा पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स वाले पार्ट का थोड़ा सा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र करूंगा हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर गिवन। अभी तक हम कर रहे थे how to find the zeros of a quadratic polynomial when the polynomial is given. So my dear class 10th के students, अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराया गया ये लेक्चर आपको लगा हो फायदेमंद, तो आप इसका भरपूर उठाइएगा फायदा, नहीं तोड़िएगा अपने जीवन में कोई कायदा, ताकि आपके जीवन में ना फैले किसी भी चीज का रायता। आपको फायदा पहुंचाने की मेरी है कोशिश पूरी तरह से, ताकि आपको बेनिफिट पे बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, समय वेस्ट ना करें। थैंक यू वंस अगेन माय डियर लवली चिल्ड्रन।